हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2022 ग्रुप ई वन बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है देखिएगा क्लोर एम्फे निकॉल इनहेबिट्स क्लोर एम्फे निकॉल क्लोर एम्फेनिकॉल इज एन an एंटीबायोटिक यानी कि क्लोर एम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक है जो कि जीवाणु से होने वाले संक्रमण में या कह लीजिए मुख्य रूप से मियादी बुखार या जिसको टाइफाइड फीवर कहा जाता है उसके इलाज में कारगर होता है तो ये किसको इनहिबिट करता है ऑप्शन ए है बैक्टीरियल राइबोसोम ऑप्शन बी है प्लांट राइबोसोम ऑप्शन सी है बॉथ ए एंड बी यानी ऊपर का ए और बी दोनों सही है और ऑप्शन डी है एनिमल राइबोसोम तो क्लोर एमफेनिकॉल इनहबिट्स बैक्टीरियल राइबोसोम्स आप सभी लोग जानते हैं कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है तो जब क्लोर एम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक बैक्टीरियल राइबोसोम्स को रोक देगा तो प्रोटीन का जो निर्माण है वह भी रुक जाएगा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है देखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम्स की दृष्टि से देखिएगा दूसरा प्रश्न है वाट एंजाइम Is used to detoxify alcohol in our body. What enzyme is used to detoxify alcohol in our body? Option A is catalase, option B is peroxidase, option C is urea catalase, and option D is amylase. The correct answer of this question. इस ऑप्शन नंबर बी पर ऑक्सीडेज इज एन एंजाइम विच इज यूज टू डिटॉक्सीफाई एल्कोहल इन आवर बॉडी नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है देखिएगा प्रश्न संख्या तीन है आयन कैरियर्स आर लोकेटेड इन आयन कैरियर आर लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड या फिर सेलवाल तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा होगा जिसमें कि आयन कैरियर पाए जाते हों आयन कैरियर देखे जाते हो तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आयर कैरियर आर लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखिएगा इज़ नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं ऑप्शन ए है अख्तर ऑप्शन बी है सलीम अली ऑप्शन सी है आगा खान एंड ऑप्शन नंबर डी है अली बेगम तो द बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली इज़ नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सलीम अली होगा आते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न संख्या चार है हु गिव द टर्म सेल मेम्ब्रेन देखिएगा सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था ऑप्शन ए है स्टैनले ऑप्शन बी है अल्टरनेरिया सुलेनाई ऑप्शन सी है नागेली एंड क्रेमर एंड ऑप्शन नंबर डी है जोसी आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए इस टर्म को किसने दिया था नागेली एंड क्रेमर नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था दो वैज्ञानिकों ने एट्टीन में यहाँ देखिएगा क्रेमर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है क्रेमर की स्पेलिंग में सी आर एम ए आर कभी कभी हो जाता है है टाइपिंग में थोड़ा सा जल्दबाजी में तो नागेली एंड क्रेमर ने 1855 ईस्वी में सेल मेम्ब्रेन को दिया था जबकि एक होता है प्लाज्मा लेमा तो इसको किसने प्रतिपादित किया था इसको किसने दिया था तो जेक्यू प्लोवर नाम के वैज्ञानिक ने जेक्यू प्लोवर नाम के वैज्ञानिक ने सन 1931 ईस्वी में प्लाज्मा लेमा नाम दिया था तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हु गिव द टर्म सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अगली एंड क्रेमर इन 1855 आते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया यानी क्षय रोग निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन बी है साल्मोनेला ऑप्शन सी है जियार्डिया एंड ऑप्शन डी है नन तो जो क्षय होता है ट्यूबर कुलोसिस इज कास्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर आते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है इंफेक्टिव स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा इज इंफेक्टिव स्टेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा इज ऑप्शन ए है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म ऑप्शन बी है स्पाइरल फॉर्म ऑप्शन सी है पायरी फॉर्म एंड ऑप्शन नंबर डी है आल तो जो ट्रिपेनोसोमा का इंफेक्टिव स्टेज होता है वो लॉन्ग लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या अगला देखिएगा ट्रिपेनोसोमा इज ट्रांसमिटेड बाय ट्रिपेनोसोमा इज ट्रांसमिटेड बाय इनोकुलेशन आइसोलेशन इंक्यूबेशन एंड ऑप्शन डी है आल तो जो ट्रिपेनोसोमा है वो किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है तो इनाकुलेशन के द्वारा ट्रांसमिट होता है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिएगा सिट्रस कैंकर डिजीज़ कास्ड बाई सिट्रस कैंकर एक डिजीज़ है जो कि किसके द्वारा होती है बैक्टीरिया के द्वारा वायरस के द्वारा एलगी के द्वारा या फंजाई के द्वारा होती है तो जो सिट्रस कैंकर डिजीज़ होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है आते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न देखिएगा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज यानी कि छोटी सबसे छोटी सजीव कोशिका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज ऑस्ट्रिच एग या फिर माइकोप्लाज्मा या फिर आई सेल्स या फिर आल ऑफ एब यानी कि ऊपर के सभी तो ऊपर के सभी तो होंगे नहीं भैया क्योंकि ऑस्ट्रिच एग जो है ये सबसे बड़ी कोशिका है ये कैसी कोशिका है ये लार्जेस्ट सेल है कैसी कोशिका है लार्जेस्ट सेल तो लार्जेस्ट सेल कौन सी है ऑस्ट्रिच एग जबकि स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा ठीक है माइकोप्लाज्मा इसको जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और आकृति बदलते रहने के कारण इसे जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है तो स्मालेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा आते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न देखिएगा हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियो फेज बैक्टीरियो फेज यानी जीवाणु भोजी जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं तो डिस्कवर्ड बैक्टीरियो फेज यानी जीवाणु यानी जीवाणु भोजी की खोज किसने की थी मार्टिन ने की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी या फिर ऑप्शन सी है टॉर्ट ने की थी या ऑप्शन डी है टॉर्ट एंड हैरल ने की थी देखिए थोड़ा सा छूट गया है तो अब ये सही हुआ तो टॉर्ट एंड हैरल ने बैक्टीरियो फेज की खोज की थी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद